हरिओम तत्सत, मैं योग गुरु उमा शंकर। आज के समाज में बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की बीमारी आ रही है, जिसके निजात के लिए हम सरल और सहज चार योगाभ्यास बताएंगे, जिसमें पहला है वज्रासन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैर को सामने फैला लेंगे, हथेली शरीर के पीछे रख लेंगे और यहाँ से अपने राइट लेग को मोड़ेंगे घुटने से। राइट लेग की एड़ी को राइट नितंब के पास, लेफ्ट लेग की एड़ी को लेफ्ट नितंब के पास, दोनों पैर के पंजे यानी पैर के ऊपर बैठेंगे। इस स्थिति में पीछे की तरफ से भी इस अभ्यास को देख सकते हैं, पैर जम के आपस मिले हुए हैं और यहाँ से साइड में एड़ी को रखते हुए एड़ी के बीचों बीच अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। और इस पोजीशन में हम लोग कुछ समय तक बैठते हैं, साथ ही साथ ये अभ्यास पाचन से संबंधित परेशानियों को भी समाप्त करता है। इसके बाद दूसरा अभ्यास हम देखेंगे, जिसे शशांकासन के नाम से जानते हैं। शशांकासन में दोनों हाथ के हथेली वज्रासन बैठे रहते घुटने के ऊपर, दोनों हाथ को सीधा रखते ऊपर उठाते हैं और फिर शरीर को आगे झुकाते हैं, माथे को जमीन पर रखते हैं नितंब भी के पास, फिर हाथ और शरीर एक साथ ऊपर उठाते हैं, फिर हथेली घुटने के ऊपर, फिर से हाथ लेंगे ऊपर की तरफ सीधा रखते हुए शरीर को आगे झुकाएंगे, सांस छोड़ते और सामान्य सांस देखेंगे यहाँ पर कुछ समय, फिर यहाँ से हाथ और शरीर एक साथ ऊपर और फिर हथेली घुटने के ऊपर। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 बार करना चाहिए और सुबह शाम नियमितता के साथ योगाभ्यास करने से जल्द इस तरह की बीमारी समाप्त हो जाती है। अगला अभ्यास हम लोग शशांक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति में ही हथेली घुटने पर रखेंगे, यहाँ से हाथ सीधा रखते ऊपर उठाएंगे, फिर यहाँ शरीर को आगे झुकाएंगे, माथा जमीन पर, फिर यहाँ से थ्री की स्थिति में भुजंगासन में आएंगे, कमर नीचे लाते जाएंगे से पीछे, फिर से कमर पीछे, माथा जमीन पर, फिर यहाँ से हाथ और शरीर एक साथ ऊपर, फिर हथेली घुटने पर, फिर से एक बार शरीर को आगे झुकाएंगे। भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, फिर कमर पीछे लाते हुए माथा जमीन पर, फिर यहाँ से हाथ और शरीर एक साथ ऊपर, फिर हथेली घुटने पर। इस अभ्यास को भी 5 बार करना है और उसके बाद हम लोग अर्धसर्वासन का अभ्यास करेंगे। अर्धसर्वासन में पेट केवल लेट जाते हैं, दोनों हाथ के हथेली अपनी दोनों जांघों के नीचे रखेंगे, चीन जमीन पर, और यहाँ से अपने पैर को घुटने सीधा रखकर अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, प्रणव से इस स्थिति में ऊपर उठाते जाएंगे और फिर धीरे नीचे, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे नीचे, फिर दूसरा पैर, फिर धीरे नीचे, फिर दूसरा पैर, फिर धीरे नीचे। इस प्रकार से दोनों पैर से इस अभ्यास को 5-5 बार करेंगे और यह अर्धसर्वासन का अभ्यास कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, इन सारी परेशानियों में भी अभ्यास
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तरह की परेशानी को समाप्त करने में सक्षम है। इन चार अभ्यास वज्रासन, शशांकासन, शशांक भुजंगासन और अर्धशलभासन, इन चार अभ्यासों के द्वारा सुबह और शाम 15-15 मिनट आप टाइम दे करके अपने आप को प्रोस्टेट जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं।